लगातार दो बार लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पस्त होने के बाद भी कांग्रेस अपनी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो गठजोड़ है उसे कम करने की कोशिश नहीं कर रही। कांग्रेस निश्चित तौर पर पूरी तरह से कांग्रेस ने यह तय कर लिया है, राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है, सोनिया गांधी ने यह तय कर लिया कि जब तक पूरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद नहीं कर देंगे, पूरी तरह से कांग्रेस की जड़ को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो गठजोड़ है, जो साथ है, उसको छोड़ने वाले नहीं है। पूरी तरह से ये साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ी संस्थान बन गई है और उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। जिस प्रकार से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, वो साबित करता है कांग्रेस की मानसिकता को, वो साबित करता है कि कांग्रेस जिस ढर्रे पर पहले चली थी, यानी 2014 का चुनाव लड़ी थी, 2019 में चुनाव लड़ी और फिर अब 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी है, यानी मैदान में समरभूमि में उतर चुके हैं, तो 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही मैदान में उतरने वाली है। कांग्रेस ने इसका बहुत बड़ा परिणाम खामियाजा भुगता था। जब एक बार कांग्रेस ने हिंदू आतंकवादी यानी भगवा आतंकवाद का वो सिगुफा छोड़ा था और पूरे देश में ये बात फैलाने की कोशिश की थी कि भगवा आतंकवाद और उसमें आरएसएस के लोगों को, उसमें तमाम भाजपा के लोगों को फंसाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। आप सभी को पता है कि प्रज्ञा ठाकुर और तमाम ऐसे संत जिनको फंसाने का काम कांग्रेस ने किया था और उसका परिणाम 2014 में बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को भुगतना पड़ा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने सनातनियों का अपमान करना, टुकड़े टुकड़े गैंग से गठजोड़ का जो साथ है उसे छोड़ा नहीं और उसका भी परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यानी 2019 में भी कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर रही और कांग्रेस देश में यानी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आई। अब जबकि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में सभी लोगों के मन में सनातन के प्रति, सभी लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर जो आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है, ऐसे समय में कांग्रेस सनातनियों का विरोध करती है, सनातनियों का अपमान करती है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध में पूरा देश जो खड़ा हुआ है, पूरे देश का जनमानस खड़ा हुआ है, उस पूरे जनमानस का भी अपमान करने का काम कांग्रेस करती है और उसका जीता जागता परिणाम कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट से टिकट देकर कांग्रेस ने यह पूरी तरह से मनसा बता दी और कहा जाए कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का एक संस्थान बन गई है, एक इंस्टीट्यूट्स बन गई है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली। जैसा कि इनके ही नेताओं ने बताया जो पार्टी छोड़कर आ रहे, चाहे गौरव बल्लभ हो चाहे रोहन गुप्ता हूं, उन लोगों ने भी कहा है कि कांग्रेस सनातनियों का विरोध करती है। इसका तात्पर्य यही है कि जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, कांग्रेस उनका सम्मान करती है, उनके साथ खड़े होने का काम करती है और जो देश के साथ खड़े होते हैं, जो सनातन के साथ खड़े होते हैं, कांग्रेस उनका अपमान करती है। कन्हैया कुमार को आप अच्छी तरह जानते हैं, जेएनयू के छात्र जिन्होंने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ बहुत सारे छात्र थे, पूरे देश में ये आवाज गई थी, कोने कोने तक आवाज गई थी, आजादी की ये मांग कर रहे थे और भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे थे। चलिए एक बार कन्हैया कुमार को मान लिया जाए कि किसी तरह से उनके ऊपर कोई दबाव था, किसी तरह से सरकार का दबाव था, वो बात नहीं कह सकते, पुलिस प्रशासन का दबाव होगा, जेएनयू के प्रशासन का उनके ऊपर दबाव हो सकता है, उससे उन्हें आजादी के लिए वो मांग कर सकते। लेकिन कन्हैया कुमार कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे यानी भारत को टुकड़े करने के लिए, भारत को बांटने के लिए फिर वो सियासत में उतरते हैं, वो राजनीति में आते हैं, तो फिर कैसे जनता उन्हें अपना नेता मान लेगी, कैसे उन्हें चुनेगी। इसी के कारण कन्हैया को अपने गृह जनपद से, बेगूसराय से जब टिकट दिया गया था, सीपीआई से जब चुनाव लड़े थे 2019 में, तब कन्हैया कुमार को करारी हार मिली थी, लाखों वोटों से कन्हैया कुमार हारे थे। अपने घर में ही कन्हैया कुमार को
हार झेलनी पड़ी थी, अपने घर में ही कन्हैया कुमार को मात झेलनी पड़ी थी। अब कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आए हैं, भाजपा के मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर जब कन्हैया कुमार घूमेंगे और टुकड़े टुकड़े की बात करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग उनके साथ होगा, उनके चुनाव में सपोर्ट करेगा, उनके चुनाव में साथ रहेगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग से कन्हैया कुमार बाहर आ ही नहीं सकते। देश विरोधी बात करने से वो बाहर आ ही नहीं सकते, देश को तोड़ने वाली शक्तियों से वो अलग हो ही नहीं सकते। तो फिर लोगों का प्रभाव उनके ऊपर क्या जाएगा, ये सभी साफ तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि भारत एक बार टूटा पाकिस्तान बना, भारत एक बार टूटा बांग्लादेश अलग हुआ, तो अब भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो भारत में पनप नहीं पाएंगी, यानी उन्हें जनता ही प्रश्रय नहीं देगी, उन्हें जनता ही आश्रय नहीं देने वाली। तो जिस प्रकार से कन्हैया कुमार दिल्ली में उतरे हैं, पूरी दिल्ली के साथ पूरे देश में कांग्रेस ने ये मैसेज देने का काम किया है, क्योंकि दिल्ली की बात पूरे देश भर में जाती है, देश के कोने कोने तक जाती है, तो इसीलिए जानबूझकर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यानी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से उतारा है कि ये मैसेज पूरी तरह से पूरे देश में जाए कि कांग्रेस अभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग से अलग नहीं हो पाई है। ये साफ तौर पर पता चले कि कांग्रेस पुरजोर तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है, और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है, और उस संस्थान में वही लोग एडमिशन लेते हैं, वही उन्हीं लोगों की एंट्री होती है उस संस्थान में जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, यानी जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, वही कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं।